अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी, मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी तूने मुझे माफ कर दिया। सच में तेरा दिल बहुत बड़ा है। अगर आज माँ होती तो बहुत गर्व होता माँ को तुझ पर। गहने वापस कर। पर दीदी, ये गहने तो मेरे नेक के हैं ना। कला तो इस घर की बहू जरूर बन गई है, पर तुझे तेरा हक नहीं मिलेगा क्योंकि तू काबिल ही नहीं है इस घर की बहू बनने के। और इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं इस घर की ढाल बनकर इस घर की रक्षा करूं। दीदी, एहसास है मुझे इस बात का कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूं तो क्या तू मानेगी? दीदी दीदी नहीं, जेठानी जी। बहन का रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया था तूने। अब सिर्फ एक रिश्ता, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी जेठानी। और इस हक से मैं तुझे ये बोल रही हूं कि मेरे होते हुए मेरे परिवार पर कोई भी आंच नहीं आ पाएगी। तो गलती से भी ना गलती करने की कोशिश मत करना, वरना ये रिश्ता भी दुश्मनी का बन जाएगा और मेरी दुश्मनी ना कला तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज तक तेरी सारी मनमानियां सिर्फ इसीलिए चलती आई है क्योंकि एक बहन का दिल आसानी से पिघल जाता था, लेकिन इस जेठानी का दिल ना पत्थर का है। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लेना। दीदी दीदी, निकाल जल्दी। जल्दी पुत्र, तूने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि तू लक्ष्मी का अवतार लेकर इस घर में आई है। जिस बहन ने तेरे साथ इतना गलत किया, यहाँ तक कि तेरे पति को भी तुझसे छीनने की कोशिश की, उसकी गलतियों को भी माफ करके तू इसलिए इस घर में लेकर आई है उसे कि इस घर का बेटा इस घर में वापस आ जाए। दादाजी, ये तो मेरा फर्ज था। आप सब शायद नहीं जानते पर ये परिवार ना मेरे सालों की इच्छाओं की पूर्ति है। मैं इस परिवार को माता रानी का आशीर्वाद ही समझती हूँ और इस परिवार पर ना मैं कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। जरूरत पड़े ना दाजी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ओह गॉड, तुम्हारी कोई भी बात बिना जान देने की बात किए पूरी नहीं होती है क्या? क्या कर रहे हैं टीचर जी, सबके सामने है आप। Thank you.
एक बार घर वालों के सामने सही साबित हो गई तो ज्यादा उड़ रही है ना। तू देखते जा कैसे सारी की सारी सत्ता पलट दूंगी मैं। इस घर में भले ही मैं दीपक ढुल्लू की पत्नी बनकर आई हूं, लेकिन तेज को हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी प्यारी दीदी। उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है इसको इस घर में लाकर, क्योंकि अब सिर्फ तू नहीं, खतरे में तो तेरा सुहाग भी है। क्योंकि मिसेस तेज ढिल्लो बनने के लिए अगर मुझे इस दीपक को भी रास्ते से हटाना पड़े ना, तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। ये वादा है मेरा तुझसे। माफ कर देना, मैंने तुझसे वादा किया था ना कि कला की जिंदगी में माँ का हर फर्ज पूरा करूंगी मैं। मैंने बहुत कोशिश की माँ, पर मैं उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई माँ। तेरी बेटी आज हार गई माँ। आप क्यों रो रहे हो? पूरा व्यापार मंडल यहाँ आया हुआ है। कैसे आप लोग? कल सरस्वती पूजा है। अरे कैसे भूल सकते हैं सरस्वती पूजा है। तो हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन इस साल माँ सरस्वती की पूजा पुरुषोत्तम शास्त्री जी नहीं बल्कि हम यानी शिवा शास्त्री करेंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। अब तुमसे प्यार जो इतना करता, तुम हंसोगी तो मुझे हंसना आएगा, तुम ऐसे रोगी तो मुझे भी रोना आएगा। ऑटोमेटिक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे अच्छा बनने से दुनिया अच्छी नहीं हो जाती है दालचीनी। तुमने अपनी जिंदगी में कितनी कोशिशें करके कला की हर जरूरत को पूरा किया है। खुद कभी स्कूल नहीं गई तुम, पर उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो इंडिपेंडेंट बने। अब अगर आज उस कला को इन सब चीजों की कदर नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचना ये कला का नेचर है, और तुम्हारी जो परवरिश है ना, वो सिर्फ उसका फ्यूचर बदल सकती है, उसका नेचर नहीं बदल सकती है। तो फिर कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पर हाँ, अगर हार जाओ ना तो खुद को इल्जाम कभी मत दो। आप ना इतनी समझदारी वाली बातें करते हैं, आपके सामने तो मैं एकदम बुद्धू ही हूँ। ए, खबरदार जो अगर तुमने मेरी दालचीनी को बुद्धू कहा तो। दालचीनी सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, मेरी लाइफ भी है। अगर किसी ने उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। देखो दालचीनी, किस्मत ने हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को एक दूसरा मौका दिया है, और मैं चाहता हूं कि हमारे इस रिश्ते को एक अगले पड़ाव पर लेकर जाऊं। जो अधूरा है उसे पूरा करूं, और अब नई शुरुआत करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट से होनी चाहिए। गिफ्ट? गिफ्ट, एक सेकंड।
अभी नहीं खोलना, मेरे यहाँ से बाहर जाने के बाद खोलना, और इसमें जो भी है उसे पहनकर जल्दी से छत पर आ जा। पर क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लेना, और हाँ प्लीज ज्यादा टाइम मत लगाना, मुझसे बहुत इंतजार नहीं होगा। पहन सकती हूँ आप? एक मिनट, क्या ये आपकी सुहागरात है ना मैडम जी? तो दीपक सर जी ने कहा था कि आपके कमरे में 2 गिलास केसर के दूध के रख दी। मैं तो रुपए नहीं और बढ़ाया मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला। वाह, तेज और दीदी का अलग ही रोमांस चल रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि तेज सिर्फ और सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने तो बस एक सपना देखा था कि मुझे कला जैसी खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिल जाए। मुझे क्या पता था कि ये सपना सच हो जाएगा। अब तुम देखना कला, जो भी गलत होना था वो हो गया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भर दूंगा। कला, कला, शॉल क्यों पहना हुआ है? सर जी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे कपड़े पहने नहीं है ना, तो आपके सामने ऐसे कपड़ों में आ जाती तो शर्म से मर जाती हूँ। गॉड, तुम्हारी कोई भी बात बिना मरने की बात किए हुए नहीं हो सकती। क्या वो करा, तुम रो क्यों रही हो? मैं ये ऐश्वर्या आपकी जिंदगी के लायक ही नहीं। क्या हुआ कला, मुझे बताओ तो सही, बात तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? मुझसे गलती हुई, मैंने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन कि तुम्हारी फैमिली मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो लोग अब भी मुझसे नफरत करते हैं। नहीं कला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करता है, सबको थोड़ा वक्त लगेगा, और मुझे ऐसा लगता है कला कि हमें सभी को थोड़ा वक्त और थोड़ा स्पेस देना होगा। ठीक है, तो मैं इस कमरे में तभी आऊंगी जब मैं सबका भरोसा जीत लूंगी। कला, कला कहां जा रही हो? रुको कला, कला मेरी बात तो सुनो। कला, कला, ओ माहिया।
शामों में तू है बेखुदी और होश तू। तेरा मिलना है सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए, तू काफी है जीने के लिए, तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर, अगर मुझे पता था तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। I'm so sorry. भैया, भाभी, we are extremely sorry. हम लोगों को पता नहीं था कि आप लोगों का यहाँ पे स्पेशल मोमेंट चल रहा है, कि हमारी वजह से स्पॉइल हो गया। वो एक्चुअली क्या है, कला को नीचे थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर टेरिस पे आके टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी भैया। मेरे और तेजसर जी के रिश्ते पर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे रिश्ते में ना कभी कोई विघ्न ना आए। मेरी जिंदगी के दो सबसे जरूरी रिश्तों में से ना आपने एक रिश्ता तो संवार दिया, अब दूसरा रिश्ता भी ठीक कर दो। मेरी बहन कला के साथ मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं कला को सही रास्ते पर ला सकूँ। एक माँ कैसे अपने दिल को कठोर कर एक बच्चे को सही रास्ते पर लेकर आती है, बिल्कुल उसी तरह आप मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं कला के साथ सख्त बन पाऊं। दालचीनी जी, पुत्र यहाँ आना। जी दादी। तेज को बुला के लेके आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है सबसे। जी दार जी, मुझे पता है कि आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तू मेरी सबसे ज्यादा होनहार बहू है और मैं जानता हूँ तो अपने बीजी का जन्मदिन कभी नहीं भूलेगी। भूला तो मैं भी नहीं हूँ दार जी, कि बीजी का कल जन्मदिन है। हाँ पुत्र,
आपकी बीजी की हालत हम सब देख ही रहे, लेकिन उनके खास दिन पर उनकी खुशी के लिए हमें कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। लो भरजाई जी, अब आप सोचोगे दिव्या को तो शॉपिंग करने का बहाना मिल गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। हमारे घर पे तो फंक्शन होते ही रहते हैं और फंक्शन में तो न्यू क्लोथ बनते हैं ना। बिल्कुल बनता है। एक काम कर, तू मेरी तरफ से 2 सूट ले ले। ठीक है भरजाई जी। मिमी जा, तू भी शॉपिंग करा। नहीं भरजाई जी, मेरा मन नहीं। इस वक्त मेरे बेटे की जिंदगी में जो ग्रहण लगा है ना, उसने मेरे दिल के सारे अरमानों का खून कर दिया। बाय द वे, तेरी बहू कहाँ है? वो सो रही है मैडम जी, मैं उनको चाय देने गई थी तो उन्होंने मुझे भगा दिया। क्या वो इस वक्त तक सो रही है? मेरी रातों की नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है महारानी, इसे तो मैं ठीक करती हूँ। चाची, चाची आप यहीं रुकिए, मैं उठाकर लेकर आती हूँ। तू क्या मुझे सिखाएगी दीदी? सबक तो मैं तुझे सिखाने वाली, और ये रहा तेरी लाइफ का पहला सबक। अगर मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी तो खुद की ही टांग तोड़वाएगी।